Good morning. Today we are going to do interesting activity. Are you ready? Yes. Chaliye. So let's call Aditi. Aditi, come. Hurry up. So we will fill this glass. We will fill this cup. हम इस कप को फिल करके चेक करेंगे. ठीक है, क्या चेक करेंगे कि इसमें कितना पानी आता है. इसमें कितना पानी आ जाइए अदिति कम. एवरी वन चेक दिस. बेटा टेक दिस कप. वी विल यूज दिस स्मॉल कप. अच्छा लग रहा है ना, आप लोग खेलते हैं ना, गुड़िया का कप है ये. तो वी विल फिल दिस बिग कप विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल कप. ओके, टेक द वॉटर एंड ट्राई. पूरा पूरा भरना है, पूरा काउंट करेंगे सारे बच्चे. वन, पूरा फिल करना है. टू, स्टॉप स्टॉप. थ्री, फोर, और रुक जाइए. तो यानी ध्यान से देखिए कि इसमें कितने कप पानी आया. इसको चलिए, तो आपने देखा कि ये वन कप, ऐसे पकड़ो बेटा अदिति इसको. इस वन कप में, इस छोटे कप के कितने कप पानी आ गया? कितने कप पानी आ गया? तो दिस कंटेनर कैन होल्ड फोर कप्स ऑफ वॉटर. जल्दी बोलिए, फोर कप्स ऑफ वॉटर. चलिए, ये बड़े वाला कप कितने कप्स के इक्वल है ये वाले के? फोर कप्स. ओके, बिग क्लैपिंग फॉर अदिति. सो क्लास, यू कैन सी दिस बिग कप कैन होल्ड वाटर इज इक्वल टू हाउ मेनी स्मॉल कप्स? फोर कप्स. नाउ अर्पित विल कम. अब हम इसी कप को बेटा चेक करेंगे इस वाले कप से. ठीक है, चलो टेक दिस कप. इसे यहां रखिए ऐसे. अब इसको फिल करेंगे. चलिए काउंट करेंगे. One, two, अप्रोक्स थ्री में भर गया है वो, है ना? थ्री में वो फिल हो गया. वेरी गुड, इसको डाल दो बेटा. पोर दिस वाटर. चलिए अब ये देखिए, इस कप का साइज पकड़ो अर्पित ऐसे, और इस कप के साइज में कुछ डिफरेंस है. इसे पकड़ो बेटा, जल्दी से चेक करिए. विच कप इज बिगर? थोड़ा बड़ा है, है ना? इसलिए इसने हमारे इस कप को भरने में ज्यादा ज्यादा हमें कप लगे छोटे वाले, और बड़े वाले थ्री लगे, है ना? चलिए हैंड्स डाउन, बिग क्लैपिंग फॉर अर्पित. चलिए अंश, टेक दिस कप. Now we are using bigger, है ना? और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं. चलिए try to fill this and see how many cups can fill this mug. Yes. One. Approx one में ही हो गया है, थोड़ा सा और डलेगा बस. देख लो, two भी नहीं गिनना पड़ा हमें तो. और कितने cups में हो गया? How many cups? One. पर ये क्या हो रहा है ये? Pour this water into the bucket. Yes. बट ये हो क्या रहा है? ये वाला कप ने सेम, हमारे पास ये मग है सारे, देखो ये वाला मग हमारे पास सेम है, लेकिन ये वाले मग कितने चाहिए हमें? फोर. और ये वाले मग थ्री. और ये वाला मग Four. क्या बात है. ठीक है, अब बताइए मुझे, कृतिका खड़े हो जाओ. अब ये छोटी वाली स्पून है, आप गेस करो कितनी स्पून इस स्पून से ये वाला मग फिल हो जाएगा? 10. अच्छा गेस करिए कृतिका. 11. अच्छा ओके, आ जाइए कृतिका, बाहर आ जाइए. देखते हैं अभी कितनी लगेंगी. मुझे लगता है बहुत सारी लगेंगी या कम लगेंगी, देखते हैं. यहां रखिए और स्पून से देखते हैं अभी कितना पानी आएगा. वन वन स्पून करके काउंट करो. बहुत मेहनत का काम हो रहा है भाई.
अभी 11 हो गई हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल जरा सा पानी आया 11 के बाद भी। अभी यानी कितनी और लगेंगी इसके अंदर हैं? इशिता काउंट करो, इशिता गेस करो। अभी देखो 11 में इतना सा पानी आया है बस। थक गई हो कृतिका? नहीं थके, चलो और डालो, देखते हैं कृतिका कब तक नहीं थकती। 13, 14, करो करो काउंट, करो भाई, हम भी देखते हैं कब तक नहीं थकते। 24, 25, 26, क्या बात है, 27, 28, 29, 30, मुझे नहीं लगता आप थक जाओगे। करो, देखते हैं कहां तक काउंटिंग आती है। 40, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56,
माय गॉड, ठीक है, फिर मुझे लगता है हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, है ना, हमारा पूरा पूरा पीरियड निकल जाएगा जब तक कृतिका ये इसको फिल कर पाएंगी। तो यानी आपने देखा, इधर देखो स्पून कितनी लग जाएंगी अप्रॉक्स, बताओ आइडिया से कितना है। फिर भी जितने बच्चे 100 तक बोल रहे हैं हैंड रेज, ओनली 100 तक, हैंड्स डाउन। जितने 200 बोल रहे हैं, चलिए हैंड्स डाउन। फिर भी ये हमारे इस मग से तो बहुत ज्यादा है, इसने तो 4 मग्स ने ही ये वाला येलो कलर वाला मग फिल कर दिया, और इसमें 3 ने, और इसने तो, और इसने तो बस, इसने तो हमें थका ही दिया पूरा, है ना, थका दिया ना। अच्छा देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मग में ये वाले कितने मग का पानी आया, हाउ मेनी मग्स, ये मग 1 कप के बराबर पानी को होल्ड कर सकता है, इसीलिए जो भी कंटेनर जितना वाटर होल्ड करता है हम उसे बोलते हैं उसकी कैपेसिटी, क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। अब मैं आपसे पूछूंगी इस मग की कैपेसिटी कितनी है, 1 मग, 4 स्मॉल कप्स, है ना, चाहे हम ये बोले 4 स्मॉल कप्स के इक्वल है, चाहे हम ये बोले 1 मग के इक्वल है, बात तो एक ही है ना। द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, एक कंटेनर किसी भी लिक्विड का, चाहे आप उसमें कोल्ड ड्रिंक्स डालिए, चाहे आप उसमें रसना डालिए, वाटर डालिए, कोई भी लिक्विड अगर आप किसी बर्तन में किसी कंटेनर में डालते हैं तो जितना उसके अंदर आ पाएगा वो उस मग की, स्पीक अलाउड, क्या है बेटा, तो कैपेसिटी क्या होती है, जितना कोई भी कंटेनर या बर्तन होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, चलो हम गेस करते हैं पहले, अनिका खड़े हो जाओ, अनिका शो मी योर वाटर बॉटल, वाटर बॉटल दिखाइए, अनिका की ये वाटर बॉटल है, ठीक है, या पूर्वा की वाटर बॉटल लो। अच्छा अनिका, यू विल गेस, ये छोटे वाले स्मॉल कप्स हैं, अभी हमें कुछ भी सही बताने की जरूरत नहीं है, बस गेस करेंगे। अनिका और अपूर्वा आप लोग बताइए इस वाटर बॉटल में ये छोटे वाले कितने कप्स का पानी आ जाएगा, काउंट, ऐसे ही आइडिया लगाइए, सोचिए कितना आ जाएगा, ऐसे देखिए आइडिया से कितना वाटर आ जाएगा, सिर्फ अनिका विल टेल, 5। चलिए अभी हम इसको चेक करेंगे, अनिका ने बोला है कि इस बॉटल में कितना कप पानी आ जाएगा, ग्रीन वाले स्पीक अलाउड, तो यानी कि इस बॉटल की कैपेसिटी कितने कप्स के इक्वल है। इफ आई विल आस्क ए क्वेश्चन, कार्तिक स्टैंड अप, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल, तो आप क्या आंसर देंगे, 10 कप्स, ठीक है, तो कार्तिक ने बोला है कि ये 10 कप्स है, अनिका बोल रही है ये, तो चलिए भाई अब एक्सपेरिमेंट करना तो बनता ही है, चेक तो करेंगे, है ना, कौन कितना सही आंसर बता पाया है, आ जाइए बाहर, आ जाइए,
Anika and Karthik will come outside. Hurry up. Okay. So students, now we will check the capacity of this bottle. Okay? हम क्या चेक करने वाले हैं इसकी कैपेसिटी और हम चेक करेंगे इस वाले मग से किससे चेक करेंगे और इसमें जितना पानी इस मग से आएगा वही इसकी क्या होगी ओके लेट्स ट्राई वन मग अनिका डालेगी वन पूरा रुको ऐसे नहीं पूरा फिल करना है बेटा इस मग को ठीक है पूरा फिल करेंगे बस अंदर करिए बॉटल को गिर जाएगा पानी बेटा बाहर यस डालिए पोर द वॉटर इन टू द बॉटल सो वन कप आ गया चलिए सी दीक्षा विल टेक दिस बेटा कप हाँ चलिए डालिए नेक्स्ट नहीं पूरा पूरा फिल हाँ प्रॉपरली उसे फिल करना है ये हमारा टू मग्स हाउ मैनी मग्स ओके नाउ इट्स टाइम कार्तिक पोर द वॉटर इन टू दिस बॉटल पूरा फिल कर लीजिए थ्री अभी हमारा थ्री नंबर जा रहा है वेट अब अगर मैं इसमें अभी हमारे पास इतना वाटर बच रहा है बेटा डाल दीजिए देखते हैं कितना आएगा पूरा गिरना नहीं चाहिए बेटा स्टॉप आप देखिए अभी हमारे पास इतना वाटर लेफ्ट है अगर ये पानी भी मैंने इसके अंदर डाल दिया तो क्या होगा गिर जाएगा इसका मतलब क्या हुआ इस बॉटल में कितने कप्स के इक्वल पानी आया अनुज विल टेल मी थ्री मार्क्स लेकिन थोड़ा सा बच गया है थ्री में भी लेकिन हाँ ठीक है थ्री हम मान सकते हैं लेकिन देखो इस बॉटल की कैपेसिटी कितने मार्क्स के इक्वल है स्पीक अलाउड अब ये बॉटल पकड़ो और ये पकड़ो ऊपर दिखाओ देखिए इधर सारे देखिए द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल इज इक्वल टू हाउ मैनी मार्क्स स्पीक अलाउड अब क्या अगर मैं इसके अंदर एक और मग भर के पानी डाल दूं अच्छा प्रज्ञा खड़े हो जाओ आप मुझे बताइए इफ पोर मोर वाटर इनटू दिस बॉटल व्हाट हैपेंड क्या होगा अगर और पानी डालेगा तो गिर जाएगा भाई चलो डाल के देख लेते हैं अंदर रखिए यहाँ पे अच्छा और पानी भरिए इसके अंदर पकड़िए देखते हैं क्या होता है लेट अस चेक अभी देख लेते हैं ओवरफ्लो पानी क्या हो रहा है फ्लो यानी कि इस बॉटल में और पानी नहीं आ सकता ये बोल रही है बस करो अब मैं इससे ज्यादा पानी मेरी कैपेसिटी नहीं है इससे ज्यादा वाटर लेने की अब समझ आया एक बॉटल एक कंटेनर उतना ही वाटर लेगा जितनी उसकी क्या है स्पीक अलाउड कैपेसिटी आपका जब भूख लगती है और पापा मम्मी कहते हैं एक रोटी और खा लो तो क्या आप खा पाते हो आप क्या बोलते हो बस अब मैं और मतलब आपकी कैपेसिटी खाने की सिर्फ दो रोटी की है तो दो ही तो खाओगे अगर जबरदस्ती तीन या चार खाओगे तो व्हाट विल हैपन क्या होगा बताइए आप बताइए साध्या यहाँ तो पानी ओवरफ्लो हो गया आपके साथ क्या होगा अगर ज्यादा रोटी खा ली तो माधव बताइए वॉमिट हो जाएगा है ना तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे ही बॉटल भी बोलती है नहीं 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 हर कंटेनर बोलता है कि मुझे इससे ज्यादा नहीं लेना है मेरी कैपेसिटी थ्री मग्स की ही बराबर है अब चाहे आप बड़े वाले डालोगे थ्री मग्स आएंगे ये छोटे वाले डालोगे तो कितने मग्स आएंगे इसमें गेस कर सकते हो रेज योर हैंड ऐसे नहीं गेस करो चेतन फोर मग्स चलो तो हो सकता है इसके वाले इसके अंदर फोर आए और अगर हम इससे भी छोटे से फिल करें अगर हम इससे फिल करें तो टेन आ जाए कितने आएंगे नैना टेन तो आपको कुछ भी आपको बस जब ये पूछा जाएगा कि ये वाले मार्क्स कितने आएंगे तो इसकी कैपेसिटी टेन मार्क्स के इक्वल हो गई ये वाले मार्क्स में कितने मार्क्स के इक्वल हो गई फोर ये वाले मार्क्स में कितने मार्क्स के इक्वल हो गई थ्री लेकिन बॉटल की कैपेसिटी तो उतनी ही रहेगी ना
बॉटल ओवरफ्लो हो जाएगी जब कैपेसिटी और भरोगे तो वाटर अपनी बॉटल अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं भर पाएगी। वेरी गुड। पोर दिस वाटर इनटू द बकेट।